अजमेर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रिज्जू झुंझुनवाला का अजमेर पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने तरीके से स्वागत किया। इस दौरान झुंझुनवाला ने कहा कि पार्टी ने उन्हें अवसर दिया है, अब सभी के साथ मिलकर के कांग्रेस पार्टी को जिताने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि चुनावों के माध्यम से लोगों की सेवा का अवसर उन्हें मिला है। उन्होंने कहा कि वे उद्योग के जरिए पहले से ही लोगों को रोजगार देने का काम कई सालों से कर रहे हैं, लेकिन राजनीतिक का दायरा बहुत बड़ा होता है और इसके माध्यम से ज्यादा लोगों का विकास किया जा सकता है। उन्होंने दोहराया कि अजमेर से उनका पुराना नाता रहा है, वे राजस्थान के भीलवाड़ा में ही पले बड़े हैं और अब अजमेर ही उनकी कर्मभूमि है। उनकी यहां सारी रिश्तेदारियां हैं तो कारोबार भी फैला हुआ है। एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अजमेर के लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार कैसे मिले, इसके लिए वे प्रयास करेंगे। अजमेर का विकास ही उनकी पहली प्राथमिकता रहेगा। काम तो बहुत नहीं हुए, काम हुए भी है, लेकिन काम आगे क्या करना है हमको ये सोचना है। मैं कोई नेगेटिव बातें नहीं करने कहूंगा आज। बीजेपी ने भी काम किया है, कांग्रेस ने भी काम किया, लेकिन हाँ मैं ये मानता हूं कांग्रेस एक पार्टी है जो कि लोगों से जुड़े हुए काम करने को तात्पर्य है। और आज के दिन आप कांग्रेस का मैनिफेस्टो भी अगर देखेंगे तो हमने जो भी बनाया है कांग्रेस के मैनिफेस्टो में, एक एक चीज सोच समझ के बनाई गई है। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि फालतू में लिख दी गई हो कि ये होने वाली नहीं है, चाहे वो न्याय योजना हो, हेल्थ केयर के ऊपर हो, 22 लाख लोगों को जो गवर्नमेंट में नौकरी देने की बात है, सारी वैकेंसी फिल करने की बात है अगले साल तक, सारी चीजों को राहुल जी ने अपने इकोनॉमिस्ट के साथ बैठ के बिल्कुल तरीके से सोच समझ के लिखा है। अब उसको कैसे हम लोगों तक ला सके, यहाँ पे कांग्रेस की सरकार है स्टेट में, कांग्रेस की सरकार बने सेंटर में, यही हमारा है कि कड़ी से कड़ी जोड़ के कैसे अजमेर का ज्यादा से ज्यादा लाभ। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।